पलामू में लूटकांड एवं गोली चलन की घटना में गुप्त सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को चैनपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते 30 सितंबर को कालीचरण प्रसाद एवं उनके पुत्र यशवंत प्रसाद से जैन गरा भोजी बाजार से चप्पल बेचकर अपने घर सलतुआ लौटने के समय रास्ते में गुपदिया टोंगरी के पास बाइक सवार तीन अपराधियों के द्वारा 4000 और मोबाइल लूट लेने एवं विरोध करने पर यशवंत को गोली मार देने की घटना घटी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री सुरजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम गठित कर लूटकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटकांड में उपयोग हथियार व गोली और लूटा गया मोबाइल, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि सामानों के साथ गिरफ्तार किया। जयनगरा में चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जयनगरा पड़ता है वहाँ पर एक लूट की घटना हुई थी और उसमें अपराधियों के द्वारा गोली चालन भी किया गया था, तो उसके अनुसंधान में पुलिस लगी हुई थी। तो उसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ जो अपराधी उन्होंने अंजाम दिया था घटना को वो किसी गांव में रह रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम में थाना प्रभारी एवं अन्य लोग थे। छापामारी करने पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीनों लोगों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उस दिन की घटना को अंजाम इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया था, और पूछताछ करने पर 2 व्यक्तियों का और नाम उन्होंने बताया। फिर उनके यहाँ छापामारी की गई तो जिस लूटकांड और गोली चालन में जिस हथियार का उपयोग किया गया था वो हथियार भी बरामद हुए, जिसमें 2 देसी कट्टा और 315 बोर के कारतूस मिले।